जदों असी इतराज किया कि गवर्नर साहब जदों कोई मुंडा अपने बाप नू कबूलदा नहीं उहदी होंद नू नहीं कबूलदा ते फिर वक्त आ जांदा बाप उहनू बदखल कर दे तुहानू ओह नाप ही नहीं करदे ते गवर्नर नू गवर्नर ही नहीं मन रहे। फिर गवर्नर साहब ने साडी बेनती नू कबूल करदिआं होइआ कहा कि ठीक है मैं इस गवर्नमेंट नू अपनी गवर्नमेंट नहीं कहिंदा मैं गवर्नमेंट वल्लों ही सिद्धे तौर बारह दिन बीतन तो बाद भी कोई एफ आई आर दर्ज ना हो बंदे घोड़े ते चढ़ा सकते हो बट अगे घोड़ सवारी करना विरोधियों का मुकाबला करना वो हर बंदे दे वास्ती खेल घोड़े तो इनू चढ़ा दिता मुख्यमंत्री तो बना दिता मुख्यमंत्री दीयां जिम्मेवारियां किस तरह निभाई दीयां उस गल दे लई देखो जी पहला दिन 75 साल दे देश की आजादी तो बाद पहली गवर्नमेंट जिन्हों कॉन्स्टिट्यूशनल हैड जिहड़े ने गवर्नर साहब उन्हें खुद ही डिसओन कर सारे नालों वड्डी मैं समझना विक्टरी पंजाब के लोगों की तो मेन ओपोजिशन इंडियन नैशनल कांग्रेस की तो बाकी समूह जिन्हिया पोलिटिकल ओपोजिशन के जमातों ने तो उन्होंने ये हुई है कि गवर्नर साहब ने खुद गवर्नर एड्रेस में जदों असी इतराज किया कि गवर्नर साहब जदों कोई मुंडा अपने बाप नू कबूलदा नहीं उहदी होंद नू नहीं कबूलदा तो फिर वक्त आ जाता बाप उहनू बदखल कर दिंदा। अज तुसी गवर्नर एड्रेस इहनू डिसओन करो क्योंकि ये तुहाडी गवर्नमेंट नहीं क्योंकि यू स्टार्ट विद माई गवर्नमेंट दिस इज़ नॉट योर गवर्नमेंट क्योंकि ये तुहानू ओन आप ही नहीं करते तो गवर्नर नू गवर्नर ही नहीं मान रहे। मैं इत्थों तक कहा कि इत्थे चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी बैठे ने हुण भी मौका है मान साहब सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन तो बाद मौका है गवर्नर साहब ने अपना रोल तो अदा कर दिता है विधानसभा सद ली तुहाडा एड्रेस भरन वास्ते भी आ गए हुण जिहड़ा तुहाडा रोल है कि अज पहले कंसीड करो दी फ्लोर ऑफ दी हाउस कि ही इज़ अ गवर्नर असी इन्हां दी कदर करने दूजी गल जिहड़े उन्हां दे कंसर्नस ने उन्हां जिहड़ी चिट्ठी विच पंज इशू चुके ने उन्हां नूं असी एड्रेस करांगे। मैनूं अफसोस ना कहना पैंदा इन स्पाइट ऑफ रिपीटडली मेरे वल्लों ते मेरे साथियों वल्लों भगवंत मान जी नूं इह गल कही गई कि अज तुहाडे कोल इतिहासिक मौका है तुसीं गवर्नर साहब दी पोजीशन नूं वी रिस्टोर कर सकदे हो मान सकदे हो कि असी इन्हों मानने गवर्नर। दूजी गल सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी तुसी कहो जी जो डायरेक्शन ने असी उन्होंने मानेंगे बट फ्लैटली ही रिफ्यूज दैट मीनस फिर गवर्नर साहब ने साडी बेनती कबूल करदिआं होइआ कहा कि ठीक है मैं इस गवर्नमेंट नूं अपनी गवर्नमेंट नहीं कहिंदा मैं गवर्नमेंट वल्लों ही सीधे तौर यह पढ़ देना। सो दिस इज़ अ ग्रेट विक्टरी जिहड़ी साडी कहनी की है ओपोजिशन पार्टी कह रही है मेन चीज़ हुंदी है किसे सरकार को तोको की हुंदी कि उन्हां दी जिंदगी उन्हां दी जायदाद उन्हां दा कारोबार महफूज होए उन्हां दे परिवार महफूज होए जिस सूबे दे विच ना आदमी दी जिंदगी ना उहदा परिवार ना उहदा कारोबार महफूज है उह सरकार नूं सरकार कलवाउण दा हक ही है। लॉ एंड ऑर्डर नूं लै के घेरोगे सरकार नूं इह कहिंदा लम्मी पई है इहनूं घेरना की इहनां नूं बाहां खड़ियां खरा के ते इहनां नूं भजाया गया। वेखो जी तुहानू मैं पहले ही दस दिता सी कि भगवंत मान की पहली अंडरस्टैंडिंग इन्हां ने तुहानू याद होएगा हुण तो कल ट्वीट दे विच खुद ही कबूल लिया कि जो जो हुक्म मेरा आका जारी करेगा मैं उस हुक्म की पूरी पालना करूँ कल ट्वीट च मने भगवंत मान जी ने खुद कबूल लिया कि मेरा आका मेरा मतलब भाजपा की सरकार मोदी साहब तो अमित शाह जी जो जो कहणगे मैं उस नूं बकायदा तौर हर चीज़ नूं उन्हां दी नूं मैं कबूलूंगा तो उस मुताब पैरामिलिट्री फोर्सिस खिलाती ने उही उन्होंने इन्हां को कराना सी। देखो सारे नूं वड्डा ड्रोनस ये चीज़ां ते वाधियां ने सारे नूं वड्डा मसला तो है कि 75 साल च पहली दफा कुछ लोगों ने हथियारबंद लोगों ने जिहड़ी फोर्स लोगों की जिंदगी महफूज करने वास्ते बनाई उस थाने ते कब्जा
असी तो नहीं वेख्या, असी तो 80 ते 90 का दौर भी वेखे, गोलियां चलदियां वेखियां, मुकाबले होते वेखे ने, बट एक थाने दे उत्ते कब्जा हो जाए, SP लैवल दे लोग कुटे जान, मारे जान, 12 सिर च टांके होण, 11-12 दिन बीतन तो बाद भी कोई FIR दर्ज ना होए, कमजोरी, डायरेक्शनलैस, एक्सपेरिमेंटल गवर्नमेंट, लोगों को यह गल कह के सानू मौका दो असी बदला लियावांगे, काबिल ही है नहीं सन, ना इन्हां विच दूरअंदेशी है, ना इन्हां विच एक्सपीरियंस है, ना इन्हां दियां लत्तां विच इन्नी जान ही है कि इस किस्म के एलीमेंट नू ये काबू कर सकन। दोनों रले ने जी इस माहौल दे विच, मैं तुहानू पहले किन्नी वार कहा, कोई सेंटर दी एजेंसियां, कोई सूबे दी एजेंसियां, जदों राज करन वाला काबिल ही है नहीं, तुसी बंदे नू घोड़े ते ते चढ़ा सकदे हो, बट अगे घोड़ सवारी करना ते विरोधियां दा मुकाबला करना, वो हर बंदे दे वास्ते खेड नहीं। घोड़े दे ते इहनू चढ़ा दिता, मुख्यमंत्री ते बना दिता, मुख्यमंत्री दीआं जिम्मेवारियां किस तरह निभाई दीआं, उस गल दे इलम ही नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह होणी कहिंदे ने कि पंजाब दे विच गवर्नर राज लगणा चाहीदा, उन्हें मेरा नाम नहीं लिया, किसी और बाजवे का लिया होना, तुसीं चंगी तरह सुनिया करो। अगे अही आवाज उड रहे आ सड़कां ते ही है, अजे टाइम आ लिया, तो 6 तरीक नूं पंजाब दे लोक जो मेन ओपोजिशन पार्टी को जो भी उन्हां दे खच्चे ने वह बकायदा तौर साफ करांगे, एक एक गल का जवाब कचहरे च खड़ा करांगे भगवंत मान नूं, क्योंकि भगवंत सिंह मान निरा चीफ मिनिस्टर नहीं, होम मिनिस्टर भी, जेडे गैंगस्टर्स च रौला पिया, जेलां विच कतल होए ने, दो दो घंटे जेल दियां अथॉरिटीज इंटरवीन नहीं करदियां, दो दो तीन तीन बंदे मारे जाते हैं, जेलां का मंत्री भी यही, तो हर वड्डा गुनाह जिहड़ा पंजाब च हो रहा उहदा सीधे तौर जिम्मेवार भगवंत मान है, भगवंत मान नूं कचहरे च खड़िया करांगे, इहनूं भज्जन नहीं दिता जाएगा, ये हुण कदी दिल्ली नूं भज्जदा, कदी खब्बे नूं भज्जदा, कदी सज्जे नूं भज्जदा, बकायदा तौर इहदी घेराबंदी की जाएगी, पंजाब दे विच अमन शांति बहाल, ओपोजिशन अपना रोल करेगी, बहाल रखांगे, जे सरकार इन्ने जोगी है नहीं ते फिर जो मौका आएगा फिर दसांगे की करना। 6 तरीक नूं मैं कल्ली कांग्रेस की गल कर सकना, ना मैं भाजपा चा, ना मैं कह, साडा स्टैंड ये है कि इलैक्टेड सरकार है, लोगों ने इन्हां नूं इलैक्ट किया, सेंटर इंटरवेंशन नहीं असीं अजे होण देणी, यही राज करनगे, ये इत्थे अपना रोल अदा करन, जो लोगों नूं प्रोमिस कीता करन, सेंटर इंटरवेंशन कांग्रेस अलाउ नहीं करेगी, सेंटर इंटरवेंशन नहीं अलाउ करेगी कि सेंटर इत्थे आए तो खुद मदाखलत करे, सेंटर यही चाहती है, कमजोर मुख्यमंत्री है, गोडे कल दे टेक आया, बट असी इस सरकार नूं बाहरों सपोर्ट भी करांगे, इन्हां नूं कुराए पई नूं राय पाउण की कोशिश करांगे, अहीं कोशिश करांगे कि अपने पैरां से रोज़।